दोस्तों आज इस वीडियो में बिल ऑफ लेडिंग के जितने टाइप्स है हम उसको ब्रीफली समझेंगे। इससे पहले बिल ऑफ लेडिंग रिलेटेड में दो वीडियोस बना है। फर्स्ट वीडियो में बिल ऑफ लेडिंग का क्या इंपोर्टेंसी है, कितने मतलब उसमें क्या क्या चीजें कवर्स होते हैं, बहुत ब्रॉडली उसको समझाया है। और दूसरे वीडियो में जो नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग, नॉन नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग, नेगोशिएबल कॉपीज बिल ऑफ लेडिंग और नॉन नेगोशिएबल कॉपीज ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दिया गया है, क्योंकि बहुत टाइम ये इसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आप वो दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेक श्योर करें कि आप पहले वो दोनों वीडियो को देख लें, ताकि आपको बिल ऑफ लेडिंग के बारे में एक कंप्लीट जानकारी मिल जाए। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल के अंदर जाके भी उसको देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम बिल ऑफ लेडिंग के जितने टाइप्स है उसको ब्रीफली कवर करेंगे। हाय, आई एम विश्वनाथ संधा, बाई एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर एंड बाई प्रोफेशन आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड सक्सेसफुल एक्सपोर्टर। सो मेरी ब्रॉड एक्सपीरियंस से बहुत ब्रीफली मैं आपको बिल ऑफ लेडिंग के जितने टाइप्स है आप आज इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। दोस्तों समझने की दृष्टि से आसान हो इसलिए बिल ऑफ लेडिंग को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट कैटेगरी रहेगा मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर और सेकंड कैटेगरी जो रहेगा मेथड ऑफ ऑपरेशन के ऊपर रहेगा। तो मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन में जो 4 बिल ऑफ लेडिंग आ जाएंगे और बाकी जितने बिल ऑफ लेडिंग है वो मेथड ऑफ ऑपरेशन के अंडर में आ जाएंगे। तो मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन के अंडर में जो फर्स्ट बिल ऑफ लेडिंग आएगा वो स्ट्रेट बिल ऑफ लेडिंग आएगा और जो सेकंड रहेगा वो ओपन बिल ऑफ लेडिंग आएगा और जो थर्ड आएगा वो बीआरआर बिल ऑफ लेडिंग आएगा और जो फोर्थ आएगा वो टू ऑर्डर बिल ऑफ लेडिंग आएगा। तो चलिए वन बाय वन ये सबको समझते हैं। देखिए ये जो स्ट्रेट बिल ऑफ लेडिंग होता है ये नॉन नेगोशिएबल कॉपीज होती है, यानी ये जो बिल ऑफ लेडिंग है ये दूसरे कंसाइनर को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। जो कंसाइनर के नाम बिल ऑफ लेडिंग में होता है सिर्फ और सिर्फ वही कंसाइनर इसको रिसीव कर सकता है और इसका तभी यूज होती है या इस्तेमाल तभी की जाती है जब एक्सपोर्टर को इसका पूरा का पूरा पेमेंट मिल चुका होता है और इसको जो मटेरियल रिसीव करने के लिए ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी चलिए जो सेकंड बिल ऑफ लेडिंग है उसको समझते हैं, दैट इज ओपन बिल ऑफ लेडिंग। और ये जो ओपन बिल ऑफ लेडिंग है ये नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग होती है और ये जो असाइंड पार्टी है उसके स्टैंप और सिग्नेचर से इसको नेगोशिएट किया जाता है, यानी दूसरे पार्टी को या दूसरे कंसाइनी को इसको ट्रांसफर किया जाता है। और ये तभी यूज होते हैं जब भी एक्सपोर्टर बहुत ही बल्क में चीजें एक्सपोर्ट करता है और इसको रीडिस्ट्रीब्यूट अलग अलग सेलर को किया जाता है, तभी ये बिल ऑफ लेडिंग के इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हो गए कमोडिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो बहुत ही बल्क में एक्सपोर्ट होते हैं और वहां पे जाके अलग अलग सेलर को इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसी केस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो थर्ड प्रकार की बिल ऑफ लेडिंग है दैट इज बीआरआर बिल ऑफ लेडिंग, ये नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग होती है, यानी दूसरे कंसाइनी को इसको ट्रांसफर की जाती है और कंसाइनर जो रहता है उसका स्टैम्प सिग्नेचर से इसको नेगोशिएट किया जाता है। और ये बीआरआर बिल ऑफ लेडिंग जो होता है ये जिसके साथ होता है यानी जिसके हाथ होता है वही कार्गो का ओनर कहलाता है और वही उस कार्गो को रिसीव कर सकता है। और ये बिल ऑफ लेडिंग जो है ये हाईली रिस्की होता है, इसलिए इसका जो यूज है बहुत ही रेयर है। अभी जो फोर्थ प्रकार की बिल ऑफ लेडिंग के बारे में हम बात करेंगे दैट इज ऑर्डर बिल ऑफ लेडिंग। देखिए ये जो बिल ऑफ लेडिंग होता है ये नेगोशिएबल होता है, यानी दूसरे कंसाइनी को इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसमें दो प्रकार की होता है, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग का जो कंसाइनी कॉलम रहता है फर्स्ट प्रकार में उसमें टू ऑर्डर लिखा जाता है और नोटिफाई पार्टी में कंसाइनी के डिटेल्स रहता है, यानी कंसाइनी को नोटिफाई किया जाएगा लेकिन इस बिल ऑफ लेडिंग किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। और ऑर्डर बिल ऑफ लेडिंग का जो दूसरा केस है उसमें कंसाइनिंग कॉलम में सिर्फ टू ऑर्डर लिखा जाता है और जो नोटिफाई पार्टी में बैंक के डिटेल्स रहता है, यानी अगर जब भी बिजनेस एलसी के अंडर में हो रहा होता है या जहां पे बैंक की रिस्क है बैंक अपने आप को वहां पे मेंशन करता है और बैंक भी उसी ट्रेड को दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है और उसको खुद भी ट्रेड कर सकता है। दोस्तों आई होप जो फर्स्ट कैटेगरी के 4 बिल ऑफ लेडिंग थे वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अभी हम सेकंड कैटेगरी के जितने बिल ऑफ लेडिंग है उसको ब्रीफली समझ लेंगे। सेकंड कैटेगरी जो है वो मेथड ऑफ ऑपरेशन के ऊपर है, जैसे कि इसमें जो फर्स्ट बिल ऑफ लेडिंग है दैट इज क्लीन बिल ऑफ लेडिंग। और ये जो बिल ऑफ लेडिंग तभी इशू होती है जब भी कार्गो शिपिंग लाइन यानी शिपिंग कंपनी जिसका वेसल है उसको सही कंडीशन में रिसीव होती है, यानी विदाउट डैमेज और प्रॉपर पैकेजिंग के साथ जब वो रिसीव होता है तभी वो क्लीन बिल ऑफ लेडिंग इशू करते हैं। और अभी जो हम सेकंड बिल ऑफ लेडिंग के बारे में बात करेंगे दैट इज क्लॉस्ड अनक्लीड और डर्टी बिल ऑफ लेडिंग जिसको बोला जाता है। ये तभी इशू होती है जब भी जो कार्गो है अगर डैमेज कंडीशन पे मिला है, अगर उसका पैकेजिंग प्रॉपर नहीं है या कोई भी डिस्क्रिपेंसी से होते हैं तभी ये क्लॉस्ड बिल ऑफ लेडिंग इशू होती है।
ज्यादातर कंटेनराइज्ड जो मटेरियल कार्गो रहता है उसमें ये देखने को बहुत ही रेयर मिलता है, लेकिन जो लूज कार्गो रहता है उसमें ये इशू ज्यादा रहता है, यानी क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग जो लूज कार्गो रहता है उसमें ज्यादा इशू होती है। अभी हम जो थर्ड बिल ऑफ लेडिंग के बारे में बात करेंगे, दैट इज मास्टर बिल ऑफ लेडिंग। मास्टर बिल ऑफ लेडिंग एक एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट है और जो कि मास्टर यानी जो शिपिंग कंपनी है वही इशू करता है करियर और एनबीओसीसी को, और बड़े बड़े एक्सपोर्टर जो होते हैं उनको भी डायरेक्टली इशू करता है, यानी जो शिपिंग कंपनी जो बिल ऑफ लेडिंग को डायरेक्टली इशू करता है उसको मास्टर बिल ऑफ लेडिंग बोला जाता है। और अभी जो फोर्थ प्रकार की बिल ऑफ लेडिंग के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज हाउस बिल ऑफ लेडिंग। यह हाउस बिल ऑफ लेडिंग जो इशू करता है वो करियर या एनबीओसीसी जो होते हैं, यानी जो शिपिंग कंपनी और एक्सपोर्टर के बीच में काम करते हैं, जिनके खुद के वेसल्स नहीं होते हैं, तो वही जो कंपनी है हाउस बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है। अभी जैसे कि ये ज़्यादातर जैसे कि लूज कार्गो का एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे जो भी लूज कार्गो LCL होते हैं वो एक ही कंटेनर में भरा जाता है और उसको फिर से शिप किया जाता है। उस केस में क्या होता है, शिपिंग लाइन जो है वो जो करियर है या NVOCC है जो बीच में काम करते हैं उनको मास्टर बिल ऑफ लेडिंग इशू करता है, और अभी जो करियर है वो दूसरे जो पार्टीज रहते हैं उनको हाउस बिल ऑफ लेडिंग इशू करता है जो कि करियर के नाम पर रहता है। और हाउस बिल ऑफ लेडिंग जो है सिर्फ LCL में इशू नहीं की जाती है, FCL में भी यूज की जाती है, यानी कंटेनराइज्ड फुली कंटेनराइज्ड जो कार्गो रहता है उसमें भी दिया जाता है। समझ लीजिए अगर करियर के पास 10 कंटेनर्स टोटल हैं और उसने 10 कंटेनर्स का मास्टर बिल ऑफ लेडिंग लिया है और वो 10 कंटेनर जो है अलग अलग पार्टीज के हैं, तो उस केस में भी वो हाउस बिल ऑफ लेडिंग इशू करते हैं। दोस्तों अभी जो फिफ्थ और सिक्स्थ प्रकार की बिल ऑफ लेडिंग है दोनों को मैं कंबाइनली समझाऊंगा, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहती है लोगों के दिमाग में, इसलिए मैं दोनों को कंबाइन करके ही समझाऊंगा। फर्स्ट इज थ्रू बिल ऑफ लेडिंग और दूसरे जो सिक्स्थ प्रकार की है वो मल्टीमोडल बिल ऑफ लेडिंग। लोगों इसको एक ही समझते हैं लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है। देखिए थ्रू बिल ऑफ लेडिंग जो होता है वो एक ही मोड के थ्रू दूसरे डिफरेंट लेक्स में एक्सपोर्ट होता है। वो कैसे, देखिए अभी जैसे कि हम जानते हैं अलग अलग मोड्स का जो इस्तेमाल होती है एक्सपोर्ट के दौरान, जैसे कि रोड हो गया, रेल, वाटर और एयर, ये सारे जो माध्यम है यूज होते हैं एक्सपोर्ट के लिए। तो ये जो थ्रू बिल ऑफ लेडिंग में क्या होता है, एक ही मोड रहता है लेकिन डिफरेंट लेग रहता है। देखिए वो कैसे होता है, जैसे कि समझ लीजिए वाटर थ्रू एक्सपोर्ट होता है लेकिन इसमें दो लेग हो सकते हैं, एक तो है सी हो सकता है और दूसरा उसके साथ साथ क्या हो सकता है, इनलैंड वाटरवेज हो सकता है। इनलैंड वाटरवेज किसको बोलते हैं, जैसे कि लेक हो गए, रिवर हो गए, कैनाल हो गए, ये सब इनलैंड वाटरवेज होता है। तो वो सी और इस प्रकार के इनलैंड वाटरवेज थ्रू एक्सपोर्ट होता है, तभी इसलिए इसको थ्रू बिल ऑफ लेडिंग बोला जाता है। और ऑन द अदर हैंड जो मल्टी मॉडल होता है वो एक से अधिक मोड्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया चार प्रकार के हमारे मोड्स रहते हैं, रोड, रेल, एयर और सी। ये जो चार प्रकार की मोड है इसमें एक से अधिक मोड यूज होता है, जैसे कि रोड पे गया, फिर सी में ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर एयर में ट्रांसपोर्ट होता है, तो इस प्रकार के दो से अधिक या एक से अधिक मोड इसमें यूज होते हैं। और डिफरेंट मोड्स में जब एक्सपोर्ट होता है इसमें करियर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिसीविंग पॉइंट से लेकर डिलीवरी पॉइंट तक करियर का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उनका पूरा अरेंजमेंट रहता है, तो उसने पूरा रिसीव से लेकर डिलीवरी तक पूरा का पूरा करके ही देते हैं। दोस्तों अभी जो सेवेंथ प्रकार की बिल ऑफ लेडिंग के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग। जैसे कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी ये रिसीव हुआ है लेकिन अभी शिपमेंट हुआ नहीं है, यानी वेसल पे लोड नहीं हुआ है। और ये जो बिल ऑफ लेडिंग ये करियर या NVOCC जो होते हैं वो जब एक्सपोर्टर के मटेरियल रिसीव करते हैं तभी वो इशू करते हैं और बाद में ये शिप में लोड होता है। दोस्तों अभी जो एट प्रकार की बिल ऑफ लेडिंग के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज एक्सप्रेस रिलीज बिल ऑफ लेडिंग, जिसको इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग भी बोला जाता है और जिसको पहले टेलेक्स बिल ऑफ लेडिंग भी बोला जाता था। देखिए ये बिल ऑफ लेडिंग के दौरान क्या होता है कि इसमें जो कंसाइनी यानी इंपोर्टर रहता है उसको ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है मटेरियल को रिसीव करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ स्कैन कॉपी से ही मटेरियल रिसीव कर सकता है। और ये बहुत रिस्की रहता है, जब भी अगर आप इंडिविजुअल एक्सपोर्टर हो, आप एक्सपोर्ट कर दिए और पेमेंट आप रिसीव नहीं कर दिए, अभी तक रिसीव नहीं किए हैं और आप मिसअंडरस्टैंडिंग से उसको स्कैन कॉपी भेज दिए हैं तो फिर आप इसमें फंस जाएंगे, आपको वो पूरा मटेरियल रिसीव कर लेगा और आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगा। और ये तभी लोग कंपनियां करते हैं जिसमें जो कंपनी यहां से इंपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट दोनों एंड पे खुद की कंपनी है, तभी कंपनी ये बिल ऑफ लेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। कुरियर चार्जेस और डॉक्यूमेंट जो कुरियर में मिस हो जाने का जो रिस्क रहता है ये सबको मिटिगेट ओवरटेक करने के लिए कंपनी ये बिल ऑफ लेडिंग का इस्तेमाल करता है।
आई होप आज इस वीडियो में मैंने आपको बिल ऑफ लेडिंग के जितने टाइप्स है उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी देने में सक्षम रहा हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी प्रकार की बिल ऑफ लेडिंग का टर्मिनोलॉजी या कुछ भी जानकारी चाहिए बिल ऑफ लेडिंग के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस रिलेटेड एक वीडियो बना के आपको क्लारीफाई कर सकूं। और फाइनली मैं आपको वही बोलूंगा, अगर मेरी जो कंटेंट है आपको पसंद आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद आप वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो अपकमिंग मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।